न्याय यहाँ पे बन रही है। मेरे पास तहारी दम हो चुकी है। अभी हम अभी ब्रेकफास्ट अभी नहीं करे, अभी बयान भी चल रहा मेरे पास, अभी हमारे पास कुछ काम भी नहीं हुआ। तब मैं कर रही हूँ, अब ब्रेड कर रही हूँ, अब कर रही हूँ ब्रेड। फ्रेंड्स यहाँ पे बन रहा है मेरे पास उपमा। आज मैं सिंपल सा उपमा बना रही हूँ। मैं इसमें मूँगफली वगैरह कुछ नहीं डाली क्योंकि मेरे को पसंद नहीं है, बच्चों को पसंद, मगर उन लोगों के लिए तहारी और ये जो मंदी है ना, दोनों भी है, तो मैं दो मिक्स करके मैं इसको गर्म कर चुकी हूँ। गर्म कर रही हूँ, तहारी भी है फिर ये मंदी भी है, मैं दो भी मिक्स कर रही हूँ। फिर मैं उपमा आज थोड़ा सा डिफरेंट टाइप में बनाई और मूँगफली वगैरह कुछ नहीं डाली, मैं सिंपल सा बना ली मैं। ओके वैसा तो मेरे को पसंद नहीं है उपमा, फिर भी देखेंगे ऐसा ज़्यादा पतला भी रहा तो मेरे को पसंद नहीं उपमा। ओके अभी ये इसको थोड़ा सा दम कर देंगे, दम पे रख देंगे। उपमा बन चुका है मेरा माशाल्लाह। फिर एक ढक्कन से कवर कर देंगे, फिर एक 5 मिनट्स ऐसे ही इसको दम पे रख देंगे। ओके अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हम बिल्कुल ठीक है। आज न्यू व्लॉग बन रहा तो बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ओके स्टार्ट करें न्यू व्लॉग। मॉर्निंग भी हो चुकी है, मॉर्निंग के 10 o'clock हो रहे। यहाँ पे मेरे बच्चे पूरे सो रहे और अब्दुल खालिक भी, आज उगादी की छुट्टी है, कल भी संडे है, कल भी छुट्टी रही थी, फिर मंडे के दिन जाना है उनको, मगर टाइम टेबल चेंज हो गया उनको। 8 o'clock से स्कूल था, 8 o'clock से नहीं है, अब 9 o'clock से स्कूल है उनको, 12 o'clock तक। पहले 8 o'clock से लेके 11:45 तक था, अब नहीं है, अब 9 o'clock से लेके 12 o'clock तक है। ओके फिर मेरे पास बन गया नाश्ते में उपमा। उपमा से सिंपल सा बनाई मैं उपमा, क्योंकि मूँगफली वगैरह कुछ नहीं डाली, सिंपल सा मैं उपमा बना ली मैं। फिर जो मंदी वो थी मेरे पास, फिर बिरयानी तहारी थी, फिर वो दोनों मिक्स करके मैं दोनों को भी गर्म करके रख दी। मेरे बच्चों को पसंद है इसलिए। और क्या मानी तो हो चुकी है, कल से रोज़े रहे थे, इंशाल्लाह कल से कंटिन्यू रोज़े रहेंगे, कितनी भी धूप रहो इंशाल्लाह रोज़े रहने की कोशिश करूँगी, कितनी भी तबीयत ख़राब हो इंशाल्लाह। आप लोगों भी दुआ करना मेरे रोज़े पूरे हो। ओके इंशाल्लाह। फिर मैं जॉब के लिए ट्राई कर रही हूँ, आप लोगों भी दुआ करना मेरे को जल्दी से जल्द अच्छी सी पोस्ट, अच्छी सी जॉब मिल जाए। मैं ट्राई कर रही हूँ, सबको बहुत जने उनको बोल के रखी हूँ फिर जॉब के लिए। फिर इंशाल्लाह फिल्म मिल गई तो फिर मैं आप लोगों को डेली व्लॉग नहीं दे सकती, डेली भी आप लोगों को रेसिपी भी नहीं शेयर सकती, कभी कभार रेसिपी शेयर कर सकती, रेसिपी भी ज़्यादा नहीं होता, कभी कभार ही हो सकता, मगर व्लॉग तो नहीं, व्लॉग भी नहीं होता क्योंकि थक जाती मैं व्लॉग बनाना, फिर जॉब करना, फिर नहीं होता। फिर भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगी। ओके आप लोग दुआ करना मेरे को अच्छी सी जॉब पोस्ट मिल जाए। ओके फिर और क्या, अब फिर मिलेंगे थोड़ी देर से, चलिए स्टार्ट करेंगे अब व्लॉग। अब कल से मैं व्लॉग नहीं डाली मैं, आज कंटिन्यू कर लेती मैं। यहाँ पे देखें कितने सारे मेरे कपड़े धो जा रहे हैं, वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही हूँ मैं, और बाहर का जो है ना वो भी बताऊँगी मैं आप लोगों को। यहाँ पे देखिए ये भी मेरे को कॉलिन भी धोना पड़ रहा, मेरे को रमज़ान स्टार्ट है कल से। फिर ये यहाँ पे भी ये जो पुरानी जो वॉशिंग मशीन में है ना, ये इसमें मैं खंगाल ले रही हूँ, यहाँ पे कपड़े ड्रेन हो रहे। यहाँ पे कपड़े देखो मेरे सूख रहे, यहाँ पे हैं यहाँ पे सूख रहे, यहाँ पे क्या कि वॉश हो रहे, यहाँ पे क्या कि यहाँ पे देखिए मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल चुकी हूँ मैं। देखिए अब टाइम हो रहा 8:30 बज रहे, यहाँ पे मैं कॉलिन ही है, कॉलिन भी मैं वॉश कर लूँगी। कल से रमज़ान स्टार्ट है सऊदी अरबिया में, तो आज से ही स्टार्ट हो चुका है वहाँ पे। कल रमज़ान का चांद दिख गया था। ओके फिर इतने सारे मेरे पास ये जो है ना ओढ़ने के वगैरह, तो छोटे बच्चे वगैरह थे ना, ज़्यादा सूसू कर लेते थे,
फिर रमज़ान तो रमज़ान में तो धोना नहीं होता, इसलिए मैं अभी से पूरे धो दे रही हूँ। कल नहीं होता, रोज़ा रखना है ना कल, इसलिए ओके। फिर इतने सारे फिर चलिए चलिए हम जाएंगे किचन में। किचन में देखिए इतने सारे बर्तन जो पड़े हुए हैं। राजिक ने खाना छोड़ दिए, थोड़ा खाए फिर छोड़ दिए। यहाँ पे देखिए पूरे मैं अब क्लीन कर लूँगी। देखिए मैं भी सुबह में ये बेड कवर्स मैं चेंज कर चुकी थी, मैं फिर भी बच्चों ने पूरा चावल वगैरह ऐसा यहाँ पे खाए थे, नाश्ता करी थी, इसलिए पूरे डाल दिए। फिर से इसको क्लीन करना है। फिर चलिए आप लोगों से थोड़े से बातें करेंगे फिर रमज़ान के बारे में, फिर सऊदी अरेबी में। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब लोगों को हमारे तरफ से, हमारी फैमिली के तरफ से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह ने रमज़ान में जन्नत में के पूरे दरवाजे, जो जन्नत के जो 8 दरवाजे हैं ना पूरे खोल देते हैं, फिर जहन्नुम के जो 7 दरवाजे हैं ना वो पूरे बंद हो जाते हैं। तो अपने आप को मग़फ़िरत कर ले, फिर गुनाह से बचे, फिर रोज़ा रखे, इबादत करे, फिर कुरान की तिलावत करे, फिर तरावियाँ भी पढ़े, कंटिन्यू करे, ओके। तो इंसान देखिए 11 महीने हम अपने लाइफ में भाग दौड़ में, और मालूम कोई जॉब में, कोई अपनी ज़िंदगी में, कोई अपने परेशानियों में, कोई बच्चों के पीछे, कोई इसके बीच में भागता ही रहता। मगर अल्लाह ने एक महीना हमारे 11 महीनों के बाद हमारे को रमज़ान, हमारे को एक महीने के लिए अल्लाह ताला इबादत का महीना दिया हमारे मग़फ़िरत के लिए। हम अपने आप की मग़फ़िरत कर ले, फिर हम हमारे गुनाह हमारे कम कर ले, फिर अल्लाह ताला हमारे को मौका दिया तो रमज़ान का हम पूरा फ़ायदा उठाए। हमारे को रमज़ान जैसा हमारे को एक महीना अल्लाह ताला ने दिया है, तो हम रमज़ान का हम पूरा फ़ायदा उठाएंगे, हैं। रमज़ान के पूरे रोज़े रखेंगे इंशाल्लाह, रमज़ान में फिर तिलावत भी करेंगे, फिर तिलावत भी करेंगे, उसके साथ साथ हम कुरान की तिलावत भी करेंगे, तरावी वगैरह वो भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फिर हम रमज़ान का पूरा हम फ़ायदा भी उठाएंगे, हमारी हम मग़फ़िरत कर लेंगे हम, ओके ओके। आप लोगों भी ऐसे ही करना। अल्लाह ने देखिए रमज़ान में देखो अल्लाह ताला सबको सेहत दो, और मालूम रोज़ा रहने की हिम्मत और ताकत दे, और उन गर्मियों से ना घबराए, क्योंकि अपने आप को नहीं रहते वो, आप लोगों को उन लोगों को बोल रही हूँ मैं, रोज़ा रहने की कोशिश करो, अल्लाह ताला हिम्मत और ताकत खुद ब खुद आ जाती है, रोज़ा रखे, ओके। रमज़ान में हर कोई 5 टाइम की नमाज़ भी पढ़ते हैं, रोज़े भी पूरे रखते हैं, और तिलावत वगैरह ही भी करते हैं। तो रमज़ान के चांद, जब रमज़ान ख़त्म हो जाता है 29 या 30 रोज़े ख़त्म हो जाते हैं, जो 30वां रोज़ा या 29वां रोज़ा है, तो सेकंड डे जो रहे ना चांद जो दिखता है ना, तो हमारे रूटीन क्यों चेंज हो जाते हैं, क्योंकि हाँ अल्लाह ने हमारे को तो हमेशा हमारे को फ़र्ज़ किए हमारे को नमाज़, तो वो नमाज़ हम नहीं छोड़ना है हमारे को, वो भी हम रमज़ान ही नहीं हमेशा हम वो कंटिन्यू करेंगे, ओके। आप लोग भी कंटिन्यू करना, तो हमको कितनी खुशी होती ना, रमज़ान रमज़ान आ रहा, रमज़ान, और बच्चों से लेके बड़े तक हर कोई भी हों तो रमज़ान की खुशी में, बच्चे तो इतने खुश हो जाते हैं रमज़ान में कि रमज़ान आ रहा, रमज़ान, एक अजब सी खुशी होती है ना रमज़ान में। आप लोग भी होती होंगी ना, तो कमेंट में बताओ, ओके। बच्चों को तो बहुत 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 सारा खुश हो जाते, बहुत 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 खुश हो जाते, रमज़ान का अलग ही रहता मज़ा, अलग अलग थोड़ा सा अलग ही रहता, बच्चों को हों तो बड़ों को हों तो सबको हो। सर अब उनके जो रूल्स रहते ना, जो रोज़ का जो रूटीन रहते ना, वो भी रमज़ान में चेंज हो जाते हैं। और क्या, सऊदी अरबिया में तो स्टार्ट हो गया, आधा रोज़ा भी गुजर गया कल से ही, उनको चांद कल ही दिख गया था, फिर आज तो आधा रोज़ा गुजर गया। हाँ, इंडिया से एक दिन पहले ही उन लोगों का रोज़ा स्टार्ट हो जाता है। हाँ, फिर कल नेक्स्ट डे हमारा रोज़ा इंशाल्लाह, कल हमारा रोज़ा स्टार्ट हो जाता है, इसलिए आप लोग अभी रोज़ा रखिए। अल्लाह ताला सबको रमज़ान की मग़फ़िरत फरमा, और मालूम सबको हिम्मत और ताकत दे अल्लाह ताला रोज़ा रहने की, और सेहत दो, ओके। फिर अपने अपने घरों में खुश रखे, फिर अपने अपने घरों के दस्तरखान फुल
भरे भरे के हमेशा और क्या इबादत करे और मालूम और कुछ नहीं। अब थोड़ा सा छोटा सा ब्लॉग था, मैं इतना ही बोलना चाहती। मैं बहुत सारा काम भी है अब फिर आप लोगों को मेरी छोटी सी, मैं मुक्ति तो आली हूँ ऐसा होगी तो कुछ नहीं हूँ मैं, जो मेरे को जितना सब मालूम है जितना नॉलेज है मेरे को आप लोगों को शेयर कर चुकी हूँ मैं। कुछ मैं कुछ गलत हो गया तो कुछ गलत मैं बोली तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। ओके सॉरी। फिर कंटिन्यू तो मैं कंटिन्यू व्लॉग डालने की तो कोशिश करूँगी, तो नहीं हुआ तो नहीं डाल सकती मैं, क्योंकि एक महीना ही अल्लाह ताला हमको जो रमज़ान का महीना दिए अल्लाह ने दिया है उसको मैं उसका फ़ायदा उठा लूँगी। हाँ ओके तो हमेशा तो काम रहता है, यूट्यूब का हो घर का हो कुछ हो तो काम तो हमेशा रहता। इंशाल्लाह मैं एक महीना तो ये इबादत का महीना नहीं, नमाज़ तो मैं कभी भी मिस नहीं करती, डोंट मिस नमाज़। आप लोग नमाज रमज़ान ही नहीं, हमेशा आप नमाज़ मिस नहीं करना। हाँ ओके फिर मैं तो नमाज़ मिस नहीं करती हूँ कभी भी। कभी इत्तेफाक से हो जाता है, इंसान है गलतियाँ तो हो जाती हैं सबसे, कभी मिस भी हो जाता है, ऐसा नहीं है तो मिस नहीं होता बल्कि मिस हो जाती मेरे को कभी कभी नमाज भी, तो जानबूझ के मैं नमाज़ मिस नहीं करती। इत्तेफाक से कहीं जा रही कुछ हो रहा कैसा कहीं तो ऐसे टाइम पर मेरी मिस हो जाती नमाज़। ओके फिर ये व्लॉग बहुत लंबी चौड़ी हो जाती है। ओके फिर नेक्स्ट व्लॉग या रेसिपी तक, फिर जो मेरे न्यू है मेरे फ्रेंड्स तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, मेरे को सपोर्ट करना। हाँ ओके फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी न्यू व्लॉग के साथ फिर इंशाल्लाह। तब तक के अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।